विकास पथ पर तीव्र गति से आगे बढ़ रही वाराणसी के लिए एक और शुभ समाचार आया है। शीघ्र ही भगवान भोलेनाथ की नगरी काशी व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी को एशिया के पहले अनोखे एयरपोर्ट की सौगात मिलने वाली है। नमस्कार मित्रों, इंडियन एसआरजे पर आप सभी का स्वागत है। भारतवर्ष में संचालित विकास परियोजनाओं तथा धार्मिक स्थलों पर हो रहे विकास कार्यों की महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने के क्रम में आज हम आपको पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बनने वाले एशिया के पहले ऐसे एयरपोर्ट की विशेष जानकारी देने वाले हैं, जिसके रनवे के नीचे होगा हाईवे तथा आपको इस परियोजना की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने के साथ ही हम आपको इस परियोजना की वर्तमान परिस्थिति भी दिखाएंगे तथा बताएंगे इस परियोजना में होने वाले भूमि अधिग्रहण की महत्वपूर्ण जानकारी। तो मित्रों, संपूर्ण जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। मित्रों, हम सभी जानते हैं कि मोदी सरकार ने देश की आधारभूत संरचना को नवीन जीवन प्रदान करने के लिए कितना कार्य किया है तथा यदि वाराणसी के संदर्भ में बात करी जाए तो विगत 8 वर्षों में वाराणसी का कायाकल्प ही कर दिया गया है एवं वाराणसी बाबतपुर एयरपोर्ट हाईवे तो अपने आप में विकास का मॉडल है। बता दें कि पर्यटन की दृष्टि से पूरे उत्तर प्रदेश में द्वितीय एवं धार्मिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगर काशी अर्थात वाराणसी में पर्यटकों के मन में इस नगर के प्रति आकर्षण के कारण से वाराणसी का लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश में लखनऊ एयरपोर्ट के पश्चात दूसरा सर्वाधिक व्यस्त हवाई अड्डा है। इसी को ध्यान में रखते हुए वाराणसी के बाबतपुर स्थित लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस करने की तैयारी है तथा इसके अंतर्गत एयरपोर्ट के रनवे का विस्तार किया जाना है। कितना लंबा किया जाना है रनवे, क्यों लंबाई बढ़ाने की आवश्यकता आई, कितनी भूमि का होगा अधिग्रहण, कौन कौन से गांवों का होगा इसमें विलय, कब तक होगा भूमि अधिग्रहण का कार्य पूर्ण, यह सभी जानकारी हम आपको अब देने जा रहे हैं। सबसे पहले हम आपको इस परियोजना के काल चक्र की जानकारी देते हैं। बता दें कि वर्ष 2015 में ही एयरपोर्ट के विस्तारीकरण की योजना बनाई गई थी। उस समय 350 एकड़ भूमि की आवश्यकता बताई गई थी। उस समय भूमि के चिन्हांकन का कार्य भी आरंभ हुआ था, परंतु तकनीकी कारणों से इस योजना को धरातल पर नहीं उतारा जा सका था, क्योंकि इसमें एक नई एयर टर्मिनल बिल्डिंग सहित कई निर्माण की योजना भी थी। इसी के साथ वर्तमान समय में रनवे व एयरपोर्ट के बाहर से गुजरने वाली हाईवे के चौड़ीकरण की भी परियोजना थी। तो पहले हाईवे का निर्माण ही आरम्भ हुआ, जो कब का पूर्ण भी हो चुका है, परंतु एयरपोर्ट के विस्तार का कार्य लंबित रहा। चूंकि जनभार इस हवाई अड्डे पर अधिक होता है, इसलिए एयरपोर्ट के विस्तारीकरण को भी अधिक समय तक लंबित नहीं किया जा सकता था। परंतु रनवे की एक ओर हाईवे तो दूसरी ओर रेलवे स्टेशन पड़ता है, इस कारण से बार बार यह परियोजना लंबित होती रही। इसी मध्य हमारे पड़ोसी देश से उपजी एक विशेष बीमारी का आगमन हुआ, जिसके कारण से हवाई यात्रियों की संख्या में भी कमी हुई, तो इस ओर प्रशासन भी सुस्त रहा। परंतु अब हवाई यात्रा में बढ़ोतरी होने के कारण से इस परियोजना का स्मरण प्रशासन को हुआ और अब एक बार पुनः इस परियोजना पर कार्य आगे बढ़ा है। वर्तमान परिस्थिति की जानकारी देने हेतु बता दें कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ने अब 3 चरणों में विस्तारीकरण की योजना बनाई है। पहले चरण के लिए लगभग 250 एकड़ भूमि की आवश्यकता है और पूरी योजना को धरातल पर उतारने के लिए लगभग 700 एकड़ भूमि की अधिग्रहण किया जाएगा। प्रशासनिक मशीनरी की माने तो बाबतपुर एयरपोर्ट को सिडनी एयरपोर्ट के प्रकार से विकसित किया जाना है। सिडनी ही क्यों, इसके लिए हम आपको बता दें कि सिडनी एयरपोर्ट के रनवे के नीचे से सड़क गुजरती है और उसी प्रकार से अब एशिया में पहली बार भारत के वाराणसी में ऐसा होने वाला है। इस परियोजना के क्रियान्वयन हेतु आसपास के 12 गांवों से भूमि ली जाएगी। शासन स्तर पर आरंभ हुई प्रक्रिया के पश्चात अब जिला प्रशासन स्थानीय स्तर पर तैयारियों में जुट गया है। शासन से स्वीकृति मिलने के पश्चात एयरपोर्ट के आसपास के गांवों में सर्वे आरंभ किया जाएगा। आशा है कि इसी वर्ष से यह प्रक्रिया होगी एवं इस एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के लिए जिला प्रशासन की ओर से अब नए सिरे से जो सर्वे कराया जाएगा उसमें एयरपोर्ट परिसर के आसपास के गांव कर्मी, धमलपुर, सराय तक्की, बाबतपुर, धमहापुर, सुगनहा, रघुनाथपुर, पुअरा, सिसवा, रामपुर, बसनी और पठकान आदि को पहले चिन्हित किया गया है।
यही नहीं, अब इसके विस्तार को लेकर कागजी कार्रवाई आरंभ की गई है। बाबतपुर के राजस्व निरीक्षण कानूनों के अनुसार 350 एकड़ भूमि का सर्वे किया गया है। इसमें पहले चरण में पूरा रघुनाथपुर, कर्मी, बैकुंठपुर, मंगारी से 109.20 एकड़ भूमि ली जानी है। प्रशासन को इसकी रिपोर्ट भी भेजी जा चुकी है। इस परियोजना की अधिक जानकारी देनी हेतु बता दें कि एयरपोर्ट विस्तारीकरण में रनवे की लंबाई बढ़ाने जाने का प्रस्ताव भी है, परंतु एयरपोर्ट के पास से गुजर रहे नेशनल हाईवे के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया अर्थात NHAI ने रनवे के नीचे से टनल बनाकर हाईवे निकालने की योजना भी बनाई है। हालांकि सुरक्षा की दृष्टि से इस योजना को कई मंत्रालयों की स्वीकृति की आवश्यकता है। यदि इस टनल को बनाने की स्वीकृति मिलेगी तो यह एशिया का पहला ऐसा रनवे होगा जिसके नीचे से टनल होगी। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी का बाबतपुर एयरपोर्ट अब बड़े विमानों की यातायात के लिए तैयार किया जाएगा। इस एयरपोर्ट से कोड 4E प्रकार की अर्थात A340, 500 और 600 जैसे बड़े विमान उड़ान भर सकेंगे। इसके लिए 4075 मीटर लंबाई का रनवे बनाया जाएगा। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र की अध्यक्षता में बीते दिनों वाराणसी एयरपोर्ट के विस्तारीकरण बैठक में कई बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा हुई। एयरपोर्ट पर यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी को ध्यान में रखते हुए एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम की स्थापना, यात्रियों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने, एयरपोर्ट को आधुनिक सुविधाओं से लैस करने, विस्तारीकरण व प्रतिकूल मौसम के बीच सुरक्षित लैंडिंग कर यात्रा को सुरक्षित बनाने के प्रयासों पर विस्तार से चर्चा हुई, जिसमें प्रस्तावित रनवे के अंतर्गत नेशनल हाईवे 56 के लिए अंडरपास भी बनाया जाना है। अधिकारियों ने बताया कि एयरपोर्ट का विस्तार करने के लिए कुल 260.4 एकड़ भूमि की आवश्यकता है। इसके साथ ही रनवे की एयरक्राफ्ट हैंडलिंग क्षमता बढ़ाने के लिए पूर्ण लंबाई के समानांतर टैक्सी ट्रैक का निर्माण व रनवे पर अप्रोच लाइट की स्थापना भी की जाएगी। इसके अतिरिक्त टर्मिनल भवन व अन्य के लिए 89.6 एकड़ भूमि की आवश्यकता होगी। जानकारी हेतु बता दें कि वर्तमान में एयरपोर्ट का रनवे छोटा है, अभी इसकी लंबाई 2745 मीटर ही है। एयरपोर्ट विस्तार के पश्चात रनवे 4075 मीटर लंबा हो जाएगा। एयरपोर्ट के विस्तार के पश्चात बोइंग विमान 777, A340-600, A350-600, 747 जैसे बड़े विमान भी यहां पर लैंड कर पाएंगे। इन्हें टेक ऑफ और लैंडिंग में कोई कठिनाई नहीं आएगी। तथा महत्वपूर्ण यह है कि एयरपोर्ट के रनवे विस्तार एवं अन्य सुविधाओं के बढ़ने से दूसरे बड़े देशों से कनेक्टिविटी भी बढ़ जाएगी। वर्तमान समय में प्रतिदिन 18 से 20 उड़ानों से लगभग 5-6 हज़ार यात्रियों का आवागमन हो रहा है। रनवे की लंबाई बढ़ाए जाने के पश्चात एयरपोर्ट पर बड़े विमान भी सरलता से लैंड हो पाएंगे, जिससे पर्यटन कारोबार को भी बढ़ावा मिलेगा। वाराणसी एयरपोर्ट पर अभी एयर इंडिया, इंडिगो, स्पाइसजेट, विस्तारा, गो फर्स्ट, बुद्धा एयर और एयर इंडिया एक्सप्रेस आदि विमानन कंपनियों द्वारा विमान संचालित किए जाते हैं, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय रूट पर बुद्धा एयर और एयर इंडिया एक्सप्रेस द्वारा शारजाह के लिए यहाँ से विमान सेवाएँ हैं। कोरोना के पहले यहाँ से बैंकॉक, श्रीलंका, मलेशिया के लिए भी विमान संचालित किए जाते थे। मित्रों, इस प्रकार से उत्कृष्ट वीडियो बनाने का एकमात्र हमारा उद्देश्य है कि देश में हो रहे विकास कार्यों की जानकारी आप तक सही स्वरूप में पहुंचे, क्योंकि देश और धर्म को बदनाम करने वाले अपनी मंशा को फलीभूत करने में लगे हुए हैं और इसके लिए उन्हें वेस्टर्न मीडिया, लेफ्टिस्ट के साथ एंटी इंडिया वालों का सहयोग भी हर प्रकार से मिल रहा है। परंतु हम यह सभी कार्य केवल और केवल अपने दम पर स्वेच्छा से कर रहे हैं, इसलिए आपका सहयोग व समर्थन अत्यंत आवश्यक है। आप हमें आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं तथा वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करके वैचारिक सहयोग भी कर सकते हैं। मित्रों, यदि आपको वीडियो में दी हुई वाराणसी के एयरपोर्ट प्रोजेक्ट की जानकारी पसंद आई हो तो हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें एवं यदि कोई सुझाव हो तो वह भी बताएं। इसके अतिरिक्त यदि आप नए दर्शक हैं अथवा अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे मनोबल में वृद्धि करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा हमारे परिवार में सम्मिलित होने के लिए चैनल के डिस्क्रिप्शन व वीडियो के पिंड कमेंट में उपलब्ध लिंक के माध्यम से इंस्टाग्राम, ट्विटर व व्हाट्सएप आदि में जुड़ें एवं आगे आने वाले वीडियो पर अपनी राय दें तथा वीडियो में भागीदार बनने का अवसर भी पाएँ।
हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।